टीम दीवाना आईएएस एंड गेट, जो ये वीडियोस में लेके आया हूँ मेनली आपको रिवाइज कराना है। एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो उसको जाके चेक कर सकते हैं। मेनली जो वीडियो है इसमें आपको बस रिवाइज कराना है, क्योंकि कल और आपका एग्ज़ाम आने वाला है, और जो बाकी एग्ज़ाम है वो भी आपके काफ़ी ज़्यादा पास में है। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको हाईलाइट कर दूँगा, उनको आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो में प्रोवाइड की हुई है उनको आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड वहाँ पे आप अगर चेक करेंगे तो आपको मैं पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। उन पीडीएफ को अगर आप एक बार भी रीड कर सकते हैं तो आप अभी भी रीड कर सकते हैं, और उनको क्वेश्चंस को जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको केवल रीड करिएगा। एंड जो पीडीएफ है उनको फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में करके अगर आप देखेंगे तो ओनली टू से थ्री आवर्स में आपके सारे वीडियोज़ कवर हो जाएंगे। और अगर आप आज इन वीडियो को देखते हैं तो कल आप आसानी से जनरल अवेयरनेस में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन भी बता रहा हूँ, उनको आप देख सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, सेकंड पार्ट में आपके लिए लेके आया हूँ, तो आप इसको देखिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर करिए। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए देखते हैं। फर्स्ट हम जो हमने इम्पोर्टेंट देखा था समिट एंड कॉन्फ्रेंस के बारे में देखेंगे, जो हमने डिटेल में पढ़ा भी है। तो समिट एंड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें मेनली जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी उसको मैंने डिस्क्राइब किया था लास्ट 3 मंथ में जितनी भी कॉन्फ्रेंस थी डिटेल वीडियोज़ के अंदर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको मैंशन करता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जैसे जो भी टेक्निकल से रिलेटेड साइंस से रिलेटेड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम टेक्निकल एग्जामिनेशन के हिसाब से देखें तो जो एर्थ मीटिंग ऑफ द इंडो जर्मन एनर्जी फॉर्म्स जो हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था, क्योंकि कोल इंडिया भी एक एनर्जी हमें देता है, कोयल वगैरह देता है जो एनर्जी प्रोड्यूस में काम आता है, तो देखा इस पर बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है। देन जो नेक्स्ट है आपको ये रखना है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट जो है हिमाचल प्रदेश में हुई थी, एक समिट ऑफ G20 कंट्रीज ध्यान रखना है, टोक्यो जापान में हुआ था। देन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इस वाले सेक्शन में है वो आप देखेंगे तो 11th ब्रिक्स समिट ध्यान रखना है ब्रेसिलिया ब्राज़ील में हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट है वो आपका है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर योगा एंड हार्ट केयर, इसका भी ध्यान रख सकते हैं आप, कर्नाटका में हुआ था। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो हुआ था न्यू दिल्ली में, इस पे बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पॉइंट आते हैं साउथ एशिया सेफ्टी समिट है, वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था, इस पे बेस्ट भी आप देख सकते हैं। देन जो नेक्स्ट अगर हम देखें दिसंबर के मंथ में, ये जो थे मैंने आपके नवंबर मंथ के डिस्क्राइब किए थे, अब मैं दिसंबर के आपको बता रहा हूँ। दिसंबर में सबसे पे इम्पोर्टेंट जो आपके सेक्शन आते हैं ये ध्यान रखना है कि 3rd edition ऑफ नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव जो हुआ था वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। इसके बाद आपको ध्यान रखना है 4th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट है, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। एंड ये जो पीडीएफ्स है अगर आप इनको वीडियो को पॉज करके एक बार जल्दी जल्दी आप इनको अपनी आंखों के आगे से निकाल सकते हैं, इन चीज़ों को जल्दी जल्दी रीड कर सकते हैं फास्ट करके, तो श्योरली आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है कि क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम जो है वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। देन जो नेक्स्ट है इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन एनर्जी इफिशियंट कूलिंग जो है वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। देन नेक्स्ट जो है आपको ध्यान रखना है यूनिफॉर्म वुमेन इन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है 49th बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस बिटवीन बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट सेशन थे वो यही थे दिसंबर के अंदर। अगर आप एक बार भी इनको देख रहे हैं तो श्योरली आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद ध्यान रखना है 11th बाइनिनियल एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। जनवरी के मंथ वाले जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको तो आप एटलीस्ट डिटेल में देखिएगा। इसके बाद आपको जानना है 27th edition ऑफ साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रेवल एक्सचेंज एक्सपो जो हुआ है वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। इसके बाद 107th इंडियन साइंस कांग्रेस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक से रिलेटेड है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में ऑर्गेनाइज हुआ था। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट अबू धाबी में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। देन जो नेक्स्ट हमारा अगर हम देखेंगे तो इंडियन नॉर्वे डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा पे चर्चा जो है वो न्यू दिल्ली में हुई थी, 3rd version था उसका। इसके बाद आप देखेंगे तो
50th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवो स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज हुआ था। इसके बाद अगर इंडो चाइना पर्सनल मीट देखेंगे लद्दाख में हुई थी। देन इंटरनेशनल समिट ऑन वुमेन इन स्टेम विजुअलाइजिंग द फ्यूचर न्यू स्काईलाइन वो न्यू दिल्ली में हुई थी। तो इस तरीके से एक ये भी ध्यान रखना लास्ट वाला, वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज बाय द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट TERI न्यू दिल्ली से ऑर्गेनाइज हुआ था। इसका थीम था मेकिंग द डिसेट काउंट द समिट इंक्लूड सस्टेनेबल एक्शन डायलॉग रीजनल डायलॉग एंड कॉरपोरेट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखी थी। ठीक है, इसको डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इन PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर और वहाँ पर आपको ये PDF प्रोवाइड हो जाएगी। इसके बाद हमने देखा था इंपॉर्टेंट डे एंड थीम्स देखे थे जिसमें आपको ज़्यादा चीज़ें ध्यान नहीं रखनी है, लेकिन जो टेक्निकल से रिलेटेड इवेंट थे वो आपको ध्यान रखना है। तो नवंबर में आपके कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे नवंबर 6 वाला आप ध्यान रख सकते हैं, द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरमेंटल इन वार एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद जो टेक से रिलेटेड आपको थोड़े बहुत लगते हैं ना, वो तो आपको एटलीस्ट देखना ही है, जैसे नवंबर 8 को इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी 2019। इसके बाद वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट आपको ध्यान रखना है। नेशनल एजुकेशन डे, जो यूथ से रिलेटेड जो आपके एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो भी उस पर क्वेश्चन बनने के चांसेज है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। देन वर्ल्ड यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के बारे में पता होना चाहिए, दोनों अलग अलग डेट पे होते हैं। अगर दिसंबर की बात करें तो इसमें आपको रखना है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे दिसंबर 2, क्योंकि कोयल से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है तो कोल इंडिया में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे देख सकते हैं आप, एंटी करप्शन डे वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल कंज्यूमर्स डे, वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, ये आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट थे डे आपके होते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को ऑर्गेनाइज हुआ था, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑर्गेनाइज हुआ था, देन 30 जनवरी को वर्ल्ड लिप्रोसी डे ऑर्गेनाइज हुआ था। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे एंड उनकी थीम मैंने आपको डिटेल में डिस्क्राइब की है। इसको आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियोज में जाके पढ़ सकते हैं, PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके बाद हम जियोग्राफी का लेक्चर लेते हैं। जियोग्राफी में भी जैसा हमने वीडियो लेक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखी थी, और ये PDF में आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं वो मैंने डिस्क्राइब किए थे, तो इसमें मैं जो इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं वो आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो जो सबसे फर्स्ट जो चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है कि हमारा कौन सी पॉपुलेशन के हिसाब से हम कितना एरिया कवर करते हैं पॉपुलेशन वाइज, और वैसे नॉर्मल एरिया वाइज कितना कवर करते हैं, हमारी जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कितना है, इंडिया पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के साथ कितना बॉर्डर है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस है कि इंडिया जो है वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है और जो शॉर्टेस्ट बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर कर सकता है। इसके बाद ये स्टेट के नाम याद रखने जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके पास होती है। इसके बाद गल्फ मैनर्स वगैरह, गल्फ ऑफ मैनर के बारे में पता होना चाहिए जो श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट करती है। इसके बाद गोंडवाना कॉन्टिनेंट से हम अलग हुए थे, इंडिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो लिस्ट ऑफ इंडियन शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेबरिंग कंट्रीज, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा स्टेट्स है उसको ध्यान रखना है कि हमारा नेपाल और जो बांग्लादेश और चाइना है वो 5-5 स्टेट को हमारा करता है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि एक बार आप इंडिया का मैप देखिए और जियोग्राफी का लेक्चर्स ये PDF को सामने रखिए, और जल्दी से जल्दी आप PDF को देखते जाइए और इंडिया के मैप को एक बार देखते जाइए और उन चीज़ों को इमेजिन करते जाइए, तुरंत आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी, ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा। अगर आप बाद में जो पेपर दे रहे हैं SSC JEE YJEE उनके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो पहले आप डिटेल में उन वीडियोस को देखिएगा, फिर इन वीडियोस में आइएगा। ठीक है, इसके बाद फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट दिखे डिस्क्राइब किए थे, हिमालयन माउंटेन, नॉर्थन पेलायंस, पेनिसुअल प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइसलैंड। इसमें हम हिमालयन जो माउंटेन है उनको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटे थे, तो उनकी हाइट के हिसाब से, तो आपको हाईएस्ट पिक की हाइट पता होनी चाहिए कितना वो फैला हुआ है, जैसे ट्रांस हिमालयन कितना फैला हुआ है आपका, उसमें कौन कौन से शेर आते हैं, जैसे जस्कर, लद्दाख, कैलाश, कराकोरम, ये सारे आपके पोर्शंस आते हैं। हिमालयाज में हमारे ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालयाज, सिवली का आता है, उनकी हाइट कितनी है, एवरेज हाइट वगैरह, वहाँ से कौन सी रिवर्स निकलती है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो इसके लिए मैं एक ही सजेस्ट करूँगा, आप बस एक बार इंडिया का जियोग्राफिकल मैप डाउनलोड करिए और उसको अच्छे से इस PDF को देखते देखते एक बार उनको रिवाइज करिएगा, जो भी मैंने वीडियो में डाला है उसको सामने रखिए, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करिए और इस, या फिर आप इस PDF को देखिए और फास्ट फॉरवर्ड करके
वहाँ पे जाके आप इन चीज़ों को कम्प्लीटली जब इमेजिन करेंगे तो जल्दी जल्दी आपको चीज़ें याद हो जाएगी, और जब आप एक बार देख के रखे होंगे तो श्योरली आपके क्वेश्चंस आसानी से कवर हो जाएंगे। इसके बाद पूर्वांचल हिल्स वगैरह के बारे में बताया था मैंने, और सबसे ज़्यादा जो हमारी हाइट है माउंट एवरेस्ट की होती है वो भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, 8848 होती है। इसके बाद सबसे ग्रेट नॉर्थन हिमालय में हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखी थी, तो जैसे कौन कौन सी रिवर्स वहाँ से पास होती है, ग्रेट नॉर्थन प्लेन से हमारी इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज जो है वो सारी वहाँ से पास होती है। इसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में हमने डिस्क्राइब किया था, सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में, गुरुशिखर जो है सेंट्रल हाईलैंड में सबसे ज़्यादा हाइट है अरावली में, अरावली पे ही हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने डीकेन प्लेटू के बारे में देखा था जो हमारे साउथ रीजन्स में आता है जिसमें कर्नाटका, तमिलनाडु और ये सारी जगह आती है, तमिलनाडु, कर्नाटका, इनकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, सी लेवल के कितना ऊपर है, ये सब इंडियन डेजर्ट के बारे में देखा था कि हमारा जो डेजर्ट है वो 7th लार्जेस्ट डेजर्ट है इन वर्ल्ड के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोस्टल प्लेन में भी हमने वेस्टल कोस्टल प्लेन और ईस्टल कोस्टल प्लेन देखे थे, वेस्टल कोस्टल प्लेन में हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वेस्टर्न गार्ड, अरेबियन सी वगैरह आते हैं, ईस्टर्न में हमने बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न गार्ड को देखा था, इनमें डेल्टा वगैरह जो बनते हैं सुंदरबन डेल्टा वगैरह वो सब हमने डिस्क्राइब किए थे। अंडमान निकोबार आइसलैंड को भी हमने देखा था, और हमने देखा था कि इंदिरा पॉइंट हमारा लोवेस्ट पॉइंट है और ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में हमारा पॉइंट होता है, ऐसे इंदिरा हमारा अगर इंडिया के हिसाब से देखें तो लोवेस्ट पॉइंट होता है, कन्याकुमारी जो पॉइंट है वो हमारा इंडिया के हिसाब से है, लेकिन अगर पूरे ऑल ओवर अंडमान निकोबार को काउंट करते हुए देखें तो हमारा इंदिरा पॉइंट सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, वो भी हमने डिस्क्राइब किया था। ड्रेनेज सिस्टम में भी हमने देखा था कि रिवर्स हमारी कहाँ कहाँ से आती है, जैसे हिमालयन रिवर्स में, इंडस के बारे में, गंगाज के बारे में हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखी थी, तो आप इनको बस हल्का हल्का चेक कर सकते हैं, इनको बस एक बार आपको फास्ट फॉरवर्ड इन डाटा को माइंड से निकालना है तो श्योरली आपको काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। इसके बाद वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा ताप्ती, ईस्ट फ्लोइंग रिवर मेहंदी बेसिन, गोदावरी बेसिन, कृष्णा बेसिन, कावेरी बेसिन, इन सबको मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया था, उस वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी आपको थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है, मैंने जैसा एडवाइस किया मैप को सामने रखिए फिर इन चीज़ों को देखिए तो ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी एंड आपका तुरंत ये सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएगी। ओके, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमने ये देखा है। इसके बाद जियोग्राफी इंपॉर्टेंट डे एंड थीम समिट एंड कॉन्फ्रेंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो जनरल अवेयरनेस दिसंबर का मंथ था उससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखी थी। अगर इस वीडियो का टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो मैं एक छोटा सा पोर्शन और बना दूंगा जिसमें मैं पॉलिटी और हिस्ट्री को डिस्क्राइब कर दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी पोर्शन है और इस पर क्वेश्चन भी ज़्यादा बनने के चांस है, तो या फिर अगर सब कुछ सही रहेगा तो मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगा। तो देखते हैं, दिसंबर में मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्क्राइब किए थे, तो उनमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हॉकी प्लेयर इन द वर्ल्ड टू विन वर्ल्ड गेम एथलेट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो रानी रामपाल थी। इसके अलावा जो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे जो इवेंट हुए हैं लाइक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है साइना नेहवाल ने। इसके बाद आप ये ध्यान रखना है कि विच पोर्टल वाज रिसेंटली रिलीज बाय यूनियन गवर्नमेंट टू स्पीड अप कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन नेशनल हाईवे, तो इसको GATA पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है। इसके बाद आपका जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने टारगेट किया था 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को इंडिया में लाने का 2020 तक। इसके बाद रजनीकांत मेन वर्सेस वाइल्ड में आने वाले हमारे PM सर भी उसमें थोड़े दिन पहले आए थे। एयर इंडिया के 100% सेल गवर्नमेंट ने भेज दिए, इस पे बेस्ट क्वेश्चन होना चाहिए बन सकता है। इसके बाद ह्यूमन रोबोट जो है वायु मित्रा उसका नाम था। इस वाली वीडियोज़ को आप श्योरली देखिएगा, कम से कम 20,000 स्टूडेंट ने इस वीडियो को देखा है, और इसमें आप इस वाले जो सेशन है वो जनरल अवेयरनेस का सबसे पहला सेशन है और इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सेशंस मैंने इन्फॉर्मेशन दी है जिसपे श्योरली क्वेश्चन बनने के चांस है। इस वाली वीडियो में अप्रोक्सीमेटली आपके क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, बाकी हिस्ट्री पॉलिटी और उन सब में भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हमारा 24 डे को मनाया जाता था। इसके बाद कम्युनिकेशन सेटेलाइट ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड विराट कोहली को मिला है, BCCI से MS धोनी को बाहर निकाल दिया गया है। आर्टिकल 131 हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताता है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें इश्यूज हो रहे हैं, तो आर्टिकल 131 के तहत उसमें रूल्स लिखे हुए होते हैं तो छोड़ लिया इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि
जो इंडियन सिटी है, इंटरनेशनल नेवल प्रोग्राम मिलन जो होल्ड किया था वो विशाखापट्टनम ने किया था, वाइजेग ने, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इंडियन साइंस कांग्रेस बेंगलुरु में हुई थी। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका चाइना ने अभी कोरोना वायरस से काफ़ी ज़्यादा इफेक्शन हुआ है तो उस पर बेस क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी तक काफ़ी सारी डेथ हो चुकी है तो इस पर बेस क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते हैं। इसके बाद हमारे जो इंडिया है उसमें केरला में सबसे पहला स्टेट पाया गया था, कोरोना वायरस का सबसे पहला इश्यू वहीं पे पाया गया था तो उस पर बेस क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद बेन स्टोक्स को अभी ICC ने अवार्ड दिया था क्रिकेटर, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये सारे हमारे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और जो नेशनल करंट अफेयर्स हुए थे उनको मैंने डिस्क्राइब किया था, सारे एग्जाम में ये बेनिफिशियल्स है। तो ये भी आपका सेशन अच्छा था, इसमें मैंने ये PDF भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा, काफ़ी छोटी छोटी PDF में आपको नोट्स प्रिपेयर करके दिए हुए हैं, ठीक है। अब जो बाकी जो सिलेबस बचा है वो उसमें हमारे 2-3 इम्पोर्टेंट टॉपिक बचे हैं, लाइक एक हमारा पॉलिटी बचा है एंड एक हिस्ट्री बचा है, ओके। तो पॉलिटी को देखते हैं जल्दी से, पॉलिटी में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट। तो मैंने जैसा मेंशन किया था कि पॉलिटी के लेक्चर्स में आपको वो ज़रूर ध्यान रखना है जिस पे गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में रूल्स बनाए, लाइक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कौन से आर्टिकल में, या फिर जो भी अभी मेजर इवेंट हुए जो करंट के लास्ट 6 मंथ में गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए थे तो वो किन आर्टिकल्स में, उन पर बेस क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये सारे टॉपिक्स मैंने डिस्क्राइब कर दिए थे जो भी सिलेबस में मेंशन था। इसमें आप देखेंगे तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल हैं उनका अमेंडमेंट किया गया था टाइमली, तो वो सब आप देखेंगे। इसमें आपको 131 आर्टिकल ज़रूर ध्यान रखना है जो हमारे सिटीजनशिप से रिलेटेड था, उसका कब कब अमेंडमेंट हुआ था, एंड इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज़ कब बनी थी, जैसे अमेंड आर्टिकल 240 आपका ध्यान रखना है क्योंकि इसमें हमारे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, क्योंकि हाल फिलहाल में जम्मू एंड कश्मीर में यूनियन टेरिटरी बनी थी तो वो भी किसी आर्टिकल में अमेंड करके ही बनी होगी, तो दैट्स व्हाई आपको ये वाले आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल 240, ठीक है। इसके बाद अभी हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए नहीं है तो आपके 66 एंड 71 ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये ध्यान रखना है आर्टिकल 240 तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि गोवा दमन दीव और यूनियन टेरिटरी इसी के अंतर्गत बने थे। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखनी है वो जो हाल फिलहाल में जो फैसले आए थे वो आपके SC ST एक्ट पे भी अमेंडमेंट हुआ है, SC ST एक्ट का जो प्रमोशन से उससे रिलेटेड और एंग्लो इंडियन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आए थे तो वो अमेंड आर्टिकल 330, 331, 233, 334 में लिखा हुआ है, तो आपको श्योरली इस पर ध्यान रखना है क्योंकि अगर आपने लास्ट 1 मंथ का देखा था तो अभी SC ST पे फैसला आया तो श्योरली इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन से आर्टिकल से। इसके बाद अगर हम देखें तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड हो गया, उस ये सारे पॉइंट आप देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके अगर मैं जाऊँ तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली अभी हुई है तो हाल फिलहाल जहाँ पे भी चुनाव हुए हैं जैसे झारखंड हो गया वहाँ पे हेमंत सोरेन आपके PM बने थे, तो इलेक्ट्रोल बॉडी से रिलेटेड जो चीज़ें उनमें आपके क्वेश्चन बनने के चांसेज आ सकते हैं। देन नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें देखनी है उनमें प्रेसिडेंट का ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 अमेंड टू परमिट प्रेसिडेंट्स अप टू 2 ईयर्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। तो ये पंजाब का था, ऐसे ही अभी महाराष्ट्र में भी इशू उसा था, वहाँ पे थोड़े बहुत प्रेसिडेंट के रूल्स वगैरह लगे थे तो दैट्स व्हाई ये आर्टिकल 356 आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मेनली पॉलिटी के अंदर क्या है कि काफ़ी सारे आर्टिकल है तो आपको कोई आर्टिकल्स इतने याद होने वाले हैं नहीं, तो जो आपको आप देख लीजिएगा जो करंट अफेयर्स अगर आपने वीडियो सारे देखेंगे तो उनसे रिलेटेड जो आपको दिखे PDF के अंदर उनके टर्म्स दिखे तो उन्हीं को केवल आपको ध्यान रखना है एंड बाकी सब आप आराम से कर लेंगे। क्वेश्चंस जनरली 1 से 2 क्वेश्चंस बनने के चांसेज है। जो SC ST से रिलेटेड आर्टिकल आ रहे हैं जैसे 16, 9, 30, 334 इन पे बेस क्वेश्चंस बनने के चांसेज है क्योंकि देखिए जो आर्टिकल 16 है ना ए टेक्निकल अमेंडमेंट टू प्रोटेक्ट टू SC ST एम्प्लॉय टू प्रमोशन, तो इस पे अभी हाल फिलहाल में वापस अमेंडमेंट हुआ था तो आर्टिकल 16 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चेक करेंगे करंट अफेयर्स में तो SC ST के ऊपर अभी फैसला आया था अगर आपने न्यूज़ वगैरह पढ़ी होगी तो जैसे ये वाली जो चीज़ें इन पे बेस क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेज है। देन शेड्यूल कास्ट वगैरह का जैसे ये शेड्यूल ट्रिबीज का आया था, एंग्लो इंडियन पे भी फैसला आया था तो ये 332, 338 ये सारे आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें आपका 332 भी मेंशन किया हुआ है।
ठीक है। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है, तो वही केवल ध्यान रखिए जिसमें आपको अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स में आपने उनको देखा होगा। मेनली तो यूनियन टेरिटरीज वाले के ज़्यादा चांसेज है और जो अदर है उन पे ही थोड़े बहुत चांसेज है, ठीक है। लास्ट हमारा बचता है इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी हमने काफ़ी सारे डिटेल में वाइसराइज वाले पीरियड देखे थे और मैंने उसको काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट डिफरेंट वाइसराइज के टाइम पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई थी, तो वो सारे मैंने आपको डिस्क्राइब किए थे। तो उनमें जो मेजर मेजर है वो मैं आपको बताता हूँ, जो टेक्निकल से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो हमारे आईएएस सिविल सर्विसेज वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं उन पे बेस क्वेश्चन बनने के चांसेस है। फर्स्ट वाला आपको ध्यान रखना है, लास्ट वाला ध्यान रखना है, 1857 की क्रांति किसके टाइम हुई थी, फर्स्ट वाइसराय याद रखना है, तो वो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले जो लॉर्ड डब्ल्यू बेंटिक्स जो थे वो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एंग्लो अफगान वार जो है वो हमारी 1836-42 में लॉर्ड एकलैंड के बीच में एकलैंड के टाइम पे हुई थी, ठीक है। इसके बाद एंग्लो सिख वार जो है वो हमारी लॉर्ड हार्डिंग्स फर्स्ट के टाइम पे हुई थी। इसके बाद आपको लॉर्ड डेलहौजी के बारे में ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे, उसके बाद ये जो पोस्ट थी इसको वाइसराय बना दिया गया था और इन्होंने काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एजुकेशनल रिफॉर्म, पब्लिक वर्क काफ़ी सारे किए थे, तो दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल रिफॉर्म भी इन्होंने किया था, इंजीनियरिंग कॉलेज भी इन्हीं के टाइम पर बसा था, तो दैट्स व्हाई टेक्निकल एग्जाम है तो श्योरली ये पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको बताना चाहिए। और लॉर्ड जो कैनिंग थे वो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वाइसराय भी कहा जाता है। ऐसे हमारे लास्ट गवर्नर जनरल हम देखें तो लॉर्ड डलहौजी को कह सकते हैं, लेकिन लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे क्या हुआ था कि इन्होंने आधे टाइम लॉर्ड के फॉर्म में इन्होंने पोस्ट संभाली थी, यानी गवर्नर जनरल के पोस्ट की फॉर्म में पोस्ट संभाली थी और आधे टाइम पे इन्होंने वाइसराय की फॉर्म में संभाली थी, ठीक है। 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके बाद में ये चेंजेस कर दिए गए थे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको काफ़ी फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम ही इतना है, अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप वीडियोज मिल जाएंगे, आपको जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है लॉर्ड मायो, क्योंकि इन्होंने अजमेर के अंदर एक कॉलेज बनाया था एंड जिसमें प्रिंसेस वगैरह पढ़ा करते थे, तो प्रिंसेस वगैरह के बारे में एग्रीकल्चर के लिए कॉमर्स के लिए डिपार्टमेंट बनाए थे, तो इसके बारे में भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं लॉर्ड मायो के बारे में। देन आपको ध्यान रखना है लॉर्ड लेटन जो है इनके टाइम पे हमारी सिविल सर्विसेज आई थी, प्लान ऑफ स्टेचुरी सिविल सर्विसेज, एंड काफ़ी सारे इन्होंने इंडियन अफगान वार के टाइम पे भी देखा था, तो केसरी मूवी रिलीज हुई थी तो वो भी इसी सेशन के अंदर थी, तो दैट्स व्हाई आपको ध्यान रखना है कि ऐसे बेस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कौन से उस टाइम वाइसराय हुआ करते थे। देन इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लॉर्ड इलिंगन सेकंड है इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें मुंडा अपराइजिंग हुआ था एंड जो चाइना और इंडिया है उनके बीच में कुछ बॉर्डर्स वगैरह है वो रेट्रीफाइड हुए थे। इसके बाद लॉर्ड कर्जन को याद रखना है क्योंकि इनके टाइम पे भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनाई गई थी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बसाया गया था, दैट्स व्हाई ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लॉर्ड मिंटो तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि गांधी जी हमारे इसी टाइम पर इंडिया में आए थे, तो दैट्स व्हाई इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। देन लॉर्ड चेलम्सफोर्ड, लॉर्ड रेडिंग्स, लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो जो मेजर मेजर इवेंट हुए हैं ये तो आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको पीडीएफ में देख रहे होंगे आपको क्लियर मेंशन है, जैसे चोराचारी इंसिडेंट है वो 1922 में हुआ था, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923 में हुआ था, ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी 1925 में हुआ था, मर्डर ऑफ स्वामी सरदानंद जो है 1926 में हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था, तो ऐसे ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन पे बेस क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो ये जो तीन आपके लॉर्ड चेलम्सफोर्ड, लॉर्ड रेडिंग्स और लॉर्ड इरविन का जो पीरियड था इनमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, इवेंट हुई थी, उनके ईयर मेंशन है, तो एक बार आप इनको आंखों से निकाल लीजिए, जैसे जालियांवाला बाग हुआ था, तो इधर से इन पे बेस क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। देन लास्ट हम देखेंगे कि हमारा जो लास्ट कौन से गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो हमारे आज़ादी के टाइम पे लास्ट वाइसराय थे। फिर इसके बाद जो पोस्ट थी उसमें लॉर्ड माउंटबेटन के बाद श्री राघोपल्लाचार्य को बनाया गया था, ये फर्स्ट ऐसे गवर्नर थे जो फ्री इंडिया के गवर्नर थे और इंडिया का पहला गवर्नर जनरल इनको बनाया गया था, उससे पहले सारे ब्रिटिश ही हुआ करते थे, श्री राघोपल्लाचार्य हमारे फर्स्ट थे, तो इस पर बेस क्वेश्चन बन सकता है। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आपको डिस्क्राइब की थी जिनमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं जिनका हाल फिलहाल में अगर जन्मदिन वगैरह आया, जैसे लाला लाजपत राय का भी आया था, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको देख लीजिएगा।
जिनके भी हाल फिलहाल में बर्थडे हुए थे, जिनके बर्थ डेट मनाई जाती है, जैसे भीमराव अम्बेडकर ने, एम के गांधी ने कौन सी डेट लिखी थी, तो इन पे वेस आपको हल्का हल्का थोड़ा बहुत आप डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद न्यूज़पेपर जो उस टाइम चलते थे महात्मा गांधी जी के द्वारा, जो तीन न्यूज़पेपर हुए थे, नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन, तो इसके बारे में आपको बताना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के बारे में भी आपको न्यूज़पेपर्स के बारे में पता होना चाहिए। देन वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में देखेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें ध्यान नहीं रखनी, बस आपको ये ध्यान रखनी है कि ईसा मसीह का कौन से टाइम पर हुआ था एंड इस्लामिक जो है उसका कब शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि एडी जो पीरियड होता है वो ईसा मसीह, जीसस क्रिस्ट जो है उनके बर्थ से पहले का टाइम, उसके बर्थ के बाद के टाइम के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। हमारा वैदिक पीरियड कौन से टाइम में था, ठीक है, पिरामिड वगैरह कौन से पीरियड में बनाए गए, तो ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड वार से रिलेटेड है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, यूनाइटेड नेशन कब फॉर्म हुआ, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंग्रेज इंडिया में कब आए थे, कब जो है वो ट्रीटी वगैरह कुछ हुई थी, बैटल्स हुई थी, तो ऐसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो अभी के टाइम के हिसाब से आप इसको इग्नोर ही मार सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मेंशन कर दिया है कि वर्ल्ड वार वगैरह ये आपको ध्यान रखना है। 1918 में हमारा एंड हुआ था, 1914 में हमारा स्टार्ट हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा 1941 देख सकते हैं हम, 1939 में जर्मनी ने इन्वेड किया था, वार बिटवीन इटली एंड अबेसियना इथोपिया कब स्टार्ट हुआ था, ये सारे आप हल्का फुल्का इनके बारे में देख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट जितने भी मैंने लेक्चर लिए थे वो आपको डिस्क्राइब किए हैं शॉर्ट में, जो कुछ चीज़ें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। जिन स्टूडेंट को ये PDF चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जनरल साइंस में मेनली अगर आप एक बार भी इन PDF को रीड करेंगे, और वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो अभी भी आपके पास मौका है, आप 2 या 3 घंटे में इन वीडियोज़ को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए और PDF को एक बार नज़र से निकाल लीजिए। श्योरली अगर आपने ये लास्ट वाला वीडियो भी देखा होगा, इसमें जो मैं वीडियोज़ को आगे कर रहा हूँ तो उसको पोस्ट कर करके बस एक बार इनको भी चेक कर लेंगे तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। एंड अगर आप डिटेल में पूरा डेप्थ में जाना चाहते हैं तो आप ओल्ड वीडियो को चेक कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट को ये PDF चाहिए वो मेरे एक चैनल अल्फा स्टूडेंट कम्युनिटी, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक मिल जाएगा, उस पर कम्युनिटी पोस्ट में सारे जितने भी स्टडी मटेरियल और लास्ट 1 मंथ के मैंने डेली करंट अफेयर्स डाले उनको भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी डिटेल मिल जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, होपफुली आप काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करके आएँ, और उसके बाद जो भी आपका रिस्पॉन्स रहता है, जितने भी आप क्वेश्चन करते हैं उनको हमको बताइएगा। एंड हम जल्द ही SSC JEE YJEE और UPPSC AE पे सिलेबस डिज़ाइन कर रहे हैं नवीन भैया, और हम लोग काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं, तो अगर आपको वो कोर्स भी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे हम आइडिया ले सकें और उस हिसाब से काम कर सकें। थैंक यू सो मच, स्टे फोकस एंड डू वेल इन योर एग्ज़ाम।